बच्चों, पिछले अध्याय में हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि पुस्तपालन और लेखा कर्म के सैद्धांतिक पहलुओं को जाना। हमने देखा कि बुक कीपिंग वास्तव में क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है और ये लेखा कर्म से किस तरह से अलग है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अकाउंटेंसी का कार्य प्रारंभ होता है। बुक कीपिंग जहाँ एक और सैद्धांतिक पहलुओं की ओर ज़्यादा झुकता है, वहीं लेखा कर्म को अगर देखें तो व्यवहारिक पहलुओं का ये अध्ययन करता है। तो इस अध्याय में हम लेखा कर्म के अंतर्गत जनरल प्रविष्टियों के बारे में जानेंगे। जनरल प्रविष्टियाँ क्या है और किस नियम के आधार पर की जाती हैं, ये हमने पिछले अध्यायों में देखा। हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाते के अंतर्गत लेखांकन के नियम बताए गए हैं। अब उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए अब व्यवहारिक रूप से हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न साधारण रूप से होंगे जो क्रय विक्रय पर आधारित होंगे। कुछ प्रश्न हम बट्टे से संबंधित अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि बट्टे किस प्रकार, कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से इनकी पंजी प्रविष्टि की जाती है, इनकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। और एक नए बिंदु पर जिस पर हम अध्ययन करेंगे वो है बैंक संबंधी प्रविष्टियाँ। बैंक अपने आप में एक पूरे लेखांकन की प्रक्रिया में एक बहुत अहम पहलू निभाता है और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, ऋण लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किन नियमों के अंतर्गत प्रविष्टियां की जाती हैं। साथ ही यहां पर हम ये भी देखेंगे कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य जो प्रविष्टियां होती हैं, संपत्ति से रिलेटेड होती हैं या उधार क्रय विक्रय से आधारित होती है, उन सब जो व्यवहार होते हैं उनकी प्रविष्टियां किस प्रकार की जाती है। तो आइए इन सब बिंदुओं से रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित सौदों की पंजी प्रविष्टियां कीजिए। जनवरी 1, 2011, रमेश सिंघानिया ने 1,00,000 रुपए रोकड़, 50,000 रुपए माल तथा 20,000 रुपए फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। 10 जनवरी संपत्तियों को नगद खरीदा, टाइपराइटर 50,000 रुपए, कंप्यूटर 10,000 रुपए, भवन 1,00,000 रुपए और मशीन 10,000 रुपए। जनवरी 20 उधार माल बेचा, पी को 500 रुपए, क्यू को 300 रुपए और आर को 200 रुपए। जनवरी 25 उधार माल खरीदा, पूजा से 200 रुपए, अर्चना से 200 रुपए और प्रेमा से 500 रुपए। 31 जनवरी नगद चुकाए, वेतन 2,000, मजदूरी 1,000, किराया 2,000 रुपए। 31 जनवरी नगद प्राप्त किया, ब्याज 300 रुपए, कमीशन 200 रुपए, दलाली 500 रुपए। यहाँ पर सबसे पहली पंजी प्रविष्टि में हम व्यापार प्रारंभ की प्रविष्टि करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर कैश के साथ साथ गुड्स और फर्नीचर भी यूज किया गया है व्यापार प्रारंभ करने में, तो हमारी प्रविष्टि हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट साइड में आएगा 1,00,000, गुड्स 50,000 और फर्नीचर 20,000 और टोटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,70,000। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, व्यापार प्रारंभ किया रोकड़, माल और फर्नीचर से। डेट हम डाल लेंगे 1 जनवरी की। सेकंड हम जो प्रविष्टि करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि संपत्तियों को नगद खरीदा गया, और हमने देखा गोल्डन रूल में कि जब भी हम संपत्तियों को नगद खरीदते हैं, एसेट्स से हमारी संपत्तियां हैं उन्हें हम डेबिट में लिखते हैं, और क्योंकि हमने नगद खरीदा है तो पैसा हमारे पास से गया है, जब भी पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टाइपराइटर डेबिट में 5,000 से डेबिट होगा, कंप्यूटर 10,000 से, बिल्डिंग 1,00,000 से, मशीनरी 10,000 से और टोटल जो टू कैश अकाउंट है वहां पर हम 1,25,000 लिखेंगे। 20 जनवरी की हमारी एंट्री है, हमने उधार माल बेचा है, तो क्योंकि गोल्डन रूल हमने देखा कि जब भी हम उधार माल बेचते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैसा तो नहीं आता है,
लेकिन जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं, हम उनका वहां पर नाम लिखते हैं डेबिट साइड में, और साथ में हम क्रेडिट में विक्रय खाता से टू सेल्स अकाउंट इस प्रकार प्रविष्टि करते हैं, क्योंकि माल हमारे पास से जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने अलग अलग तीन लोगों को माल बेचा है, तीन डेटर्स बन जाते हैं हमारे, तो तीन देनदार यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। तो पीज अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट डेबिट एंड आर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर पी के अकाउंट में आ जाएगा 500, क्यू के अकाउंट में आ जाएगा 300 और आर के अकाउंट में आ जाएगा 200। उसके बाद 25 जनवरी को यहाँ पर उधार माल खरीदा गया है। तो जब भी हम माल उधार खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश तो नहीं जाएगी क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ क्रेडिटर बन जाएंगे, और क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं तो माल हमारे पास आएगा। और हमने गोल्डन रूल में देखा कि जब माल हमारे पास आता है तो वो डेबिट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू पूजा, टू अर्चना, टू प्रेमा। तो ये पूजा का अकाउंट क्रेडिट होगा 200 से, अर्चना का अकाउंट क्रेडिट होगा 300 से और प्रेमा का अकाउंट क्रेडिट होगा 500 से, और टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर 1000 हम लिखेंगे। 31 जनवरी की एंट्री है नगद चुकाए, कैश हमने पेमेंट किया है। यहाँ पर तीन तरह के पेमेंट है, सैलरी है, वेजेस है और किराया है, वेतन मजदूरी किराया। अब क्योंकि यहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिन जिन मदों पर हम खर्च कर रहे हैं क्योंकि ये व्यय है हमारे लिए, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के जो व्यय होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्योंकि टोटल हमारी जो कैश है वो इन तीनों को मिला के होगी, तो सैलरी में हम 2000 लिखेंगे, वेजेस 1000, रेंट जो है वो 2000 है, तो टोटल 5000 कैश में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एंट्री यहाँ पर नगद प्राप्त किया, हमने कुछ रिसीव किए हैं ब्याज, इंटरेस्ट, कमीशन और दलाली, ब्रोकरेज। तो ये क्योंकि सारे हमारे रिसिप्ट है, तो यहाँ पर हम क्योंकि जो भी हमको रिसीव होता है तो हमको कैश मिलता है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और जितने भी रिसीव होते हैं वो सब क्योंकि लाभ हमारे लिए आए हैं तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग वो सब क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू ब्रोकरेज। इंटरेस्ट है 300, कमीशन में है 200 और ब्रोकरेज है 500, तो टोटल यहाँ पर 1000 जो है वो कैश रिसीव होगा। इस प्रकार से हम ये जनरल एंट्री कॉलम बंद कर देंगे और टोटल कर लेंगे। नानक सेल्स की पुस्तकों में आवश्यक लेख तैयार कीजिए। जनवरी 2010 व्यापार की शुरुआत 1,00,000 रुपए से की गई एवं 10,000 रुपए फर्नीचर भी उपयोग में लाया गया। जनवरी 10 प्रेम स्टोर से 10,000 रुपए का माल खरीदा। जनवरी 13 श्रीराम को 500 रुपए का माल बेचा। जनवरी 20 मालती से 10,000 रुपए का माल खरीदा। जनवरी 25 प्रेम स्टोर्स को 2,000 रुपए का माल वापस किया। जनवरी 27 मालती को 2,000 रुपए का माल लौटाया। जनवरी 31 श्रीराम स्टोर्स ने 200 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया। इस प्रश्न के लिए जब हम पहली पंजी प्रविष्टि करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यापार की शुरुआत की गई है जिसमें 1,00,000 रुपए नकद और 10,000 रुपए का फर्नीचर उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर हमारी पहली पंजी प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारी पूंजी है, हमारी कैपिटल है। कैश 1,00,000 और फर्नीचर 10,000, टोटल 1,10,000 यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा। डेट हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 जनवरी 2010। उसके बाद 10 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें प्रेम स्टोर से 10,000 रुपए का माल खरीदा गया है। जब हम माल खरीदते हैं तो गुड्स हमारे पास आती है, हम परचेस करते हैं, और जब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि माल नगद खरीदा या माल उधार खरीदा, तो हम मान लेते हैं कि वो माल नगद खरीदा गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है साथ में, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है प्रेम स्टोर से खरीदा, तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये जो क्रय है वो उधार है, क्रेडिट परचेस है।
तो क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है, हालांकि चाहे क्रेडिट परचेस हो चाहे डेबिट परचेस हो, दोनों ही कंडीशन में माल जो है वो हमारे पास आता है, इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि कैश परचेस है क्रेडिट परचेस है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश परचेस नहीं है, ये क्रेडिट परचेस है, उधार क्रय है। तो यहाँ पर हमने जिस व्यक्ति से क्रय किया है, क्योंकि वो हमारा लेनदार है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम स्टोर से 10,000। 13 जनवरी को श्री राम को 500 रुपए का माल बेचा, तो क्योंकि यहाँ पर श्री राम को हमने बेचा है, नाम दिया हुआ है व्यक्ति का, तो ये हो जाएगा श्री राम डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जब भी हमने माल बेचा तो हमारे डेटर्स बने और डेटर्स हमारे डेबिट में आते हैं, तो श्री राम अकाउंट डेबिट हुआ है। और जब भी हमने माल बेचा, चाहे हम नगद बेचे या हम उधार बेचे, माल हमारे पास से जाता है और अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल जब माल हमारे पास से जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी श्री राम डेबिट टू सेल्स और 500 से हम इसकी अमाउंट लिखेंगे। 20 जनवरी को मालती से 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब क्योंकि यहाँ पर भी व्यक्ति का नाम दिया है, किसी भी जनरल एंट्री को पास करने से पहले हमको बहुत सावधानी से देखना है कि वो उधार क्रय है या नगद क्रय, या फिर उधार विक्रय है या नगद विक्रय। तो यहाँ पर क्योंकि मालती से 10,000 रुपए का माल खरीदा, मतलब कि उधार खरीदा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास माल आता है, चाहे हम नगद खरीदे या उधार, इसलिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे और टू मालती, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू मालती अकाउंट 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 25 जनवरी को प्रेम स्टोर को 2,000 रुपए मूल्य का माल वापस किया। हमने देखा कि इस प्रश्न में हमने 10 जनवरी को प्रेम स्टोर से कुछ माल खरीदा था, उसी में से 2,000 का माल हम उसको वापस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो माल खरीदा था, यानी परचेस था वो माल हमारे लिए। अब हम जब उसको वापस करेंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो हमारे लिए क्रय वापसी या परचेस रिटर्न कहलाएगा। तो क्योंकि हमने जब माल खरीदा था तब माल हमारे पास आया था, और जब माल हमारे पास आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए परचेस अकाउंट हमने डेबिट किया था। अब ये माल हम वापस कर रहे हैं, परचेस किया हुआ माल, तो माल हमारे पास से जा रहा है। अब क्योंकि ये माल हमारे पास से जा रहा है तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास जा रहा है ये माल, पाने वाला कौन है यहाँ पर, प्रेम स्टोर, तो पाने वाला जो है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रेम स्टोर डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000। 27 जनवरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मालती को 200 रुपए का माल लौटाया। हमने 20 जनवरी को मालती से 10,000 रुपए का माल परचेस किया था। अब 2,000 का जो गुड्स है वो हम उसको वापस कर रहे हैं, यानी कि परचेस रिटर्न कर रहे हैं। तो सेम हमारी एंट्री यहाँ पर होगी मालती, क्योंकि पाने वाले हैं, मालती को हमने वापस किया है माल, तो मालती अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट और 2,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर 31 जनवरी को यहाँ पर फिर से एक रिटर्न है श्री राम स्टोर्स ने। हमको बहुत सावधानी से देखना है कि परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है श्री राम स्टोर्स ने 200 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया, यानी श्री राम स्टोर्स ने हमसे खरीदा था, अब वो हमको वापस कर रहे हैं, तो ये है हमारा सेल्स रिटर्न। तो क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, ये माल हमारे पास आ रहा है, जब हमने सेल किया था तो माल हमारे पास से गया था, हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, लेकिन अब ये माल हमारे पास वापस आ रहा है तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। और कहाँ से आ रहा है, श्री राम स्टोर से आ रहा है, तो जहां से आता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्री राम स्टोर और अमाउंट हो जाएगी 200। इस प्रकार हम इन एंट्रीज का जो जनरल टोटल है वो कर लेंगे 1,34,700 से और क्लोज कर देंगे। मिश्रित जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 2011 1 मई व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ 50,000 रुपए, माल 10,000 रुपए, कंप्यूटर 5,000 रुपए। मई 10 राम से माल खरीदा 10,000 रुपए। मई 12 श्याम से माल खरीदा 5,000 रुपए। मई 14 मोहन से माल नगद खरीदा 2,000 रुपए। मई 15
सोहन से 2000 रुपए मूल्य के माल का आदेश प्राप्त किया मई 18, रोहन को माल बेचा नगद 2000 उधार 2000 रुपए। मई 24, राम को माल खराब होने के कारण लौटाया मूल्य 2000 रुपए। मई 27, श्याम को माल वापस किया 2000 रुपए। मई 28, रोहन ने माल वापस किया 1000 रुपए। मई 29, नगद चुकाया वेतन 1000, किराया 1000, मजदूरी 1000। मई 31, नगद प्राप्त किया ब्याज 500, लाभांश 200, कमीशन 200। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं जो मिश्रित रूप से किए गए हैं, तो इनकी पंजी प्रविष्टि भी हम मिश्रित रूप से ही करेंगे। जैसे कि व्यापार जब प्रारंभ किया गया है तो रोकड़ के साथ माल और संपत्ति, एक संपत्ति यानी कि कंप्यूटर का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमारी पहली जो प्रविष्टि होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में हो जाएगा 50,000, गुड्स 10,000 और कंप्यूटर 5,000, टोटल 65,000 से कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। सेकंड हम देखते हैं 10 मई को राम से माल खरीदा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया गया है यानी कि हम मानेंगे कि ये उधार क्रय है, और क्योंकि हम क्रय कर रहे हैं तो माल हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम क्रय खाता डेबिट यानी परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। और हम राम से क्रय कर रहे हैं, यहाँ पर हमने नगद क्रय नहीं किया है, तो हमारी पंजी प्रविष्टि हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 से। फिर 12 मई को एंट्री हम यहाँ पर करेंगे श्याम से माल खरीदा, तो बिल्कुल सेम एंट्री यहाँ पर होगी कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 5,000। 14 मई को मोहन से नगद माल खरीदा, अब क्योंकि हालांकि यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया गया है लेकिन नगद माल खरीदा ये स्पष्ट रूप से दिया गया है, यानी ये जो व्यवहार है ये नगद व्यवहार है, और परचेस किया है माल हमने, परचेस जब हम करते हैं तो माल हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने नगद माल खरीदा है तो कैश हमारे पास से जाएगी इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। सोहन से 2000 रुपए के माल का आदेश प्राप्त हुआ। बहुत सावधानी से हमको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी चीज का हमको ऑर्डर मिलता है, आदेश प्राप्त होता है, तो किसी प्रकार की प्रविष्टि हमको नहीं करनी होती, और जब हम जनरल एंट्री खत्म कर लेंगे तो फुट नोट में यानी जनरल एंट्री के लास्ट में कॉलम के बाहर हम एक नोट्स लिख देंगे कि 15 मई को प्राप्त आदेश की किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 18 मई को रोहन को माल बेचा कैश 2000 और क्रेडिट जो है वो 2000 है, तो रोहन को हमने नगद माल भी बेचा है और उधार माल भी बेचा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमको अलग अलग एंट्री करनी होगी, क्योंकि एक कंडीशन में हमारे पास कैश आती है और दूसरे कंडीशन में हमारे पास कैश नहीं आती, तो पहली हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000 से, और दूसरी हमारी जो एंट्री होगी वो होगी रोहन डेबिट टू सेल्स। उसके बाद 24 मई की हम एंट्री करेंगे राम को माल खराब होने के कारण लौटाया, हमने राम से 10,000 का माल परचेस किया था और अब जब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो ये परचेस रिटर्न कहलाएगा, क्रय वापसी कहलाएगी, और जिस तरह से हमने जब माल परचेस किया था तो माल हमारे पास आया था और हमने परचेस अकाउंट को डेबिट किया था, इसी तरह अब ये माल जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेस रिटर्न अकाउंट होगा और वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि माल हमारे पास से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, वापस राम के पास जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी राम डेबिट टू परचेस रिटर्न 2000 से। अब 27 मई को हम देखते हैं श्याम को माल वापस किया 2000 रुपीज का। इसके पहले एंट्री में हमने देखा था कि श्याम से हमने 5000 का माल खरीदा था, जब हमने माल खरीदा था तो वो परचेस अकाउंट था, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि माल हमारे पास आया था, अब जबकि हम श्याम को माल वापस कर रहे हैं तो ये परचेस रिटर्न कहलाएगा, और यहाँ पर क्योंकि माल हमारे पास से वापस जा रहा है इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे श्याम डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2000 से। नेक्स्ट 28 मई को हम देखते हैं रोहन ने माल वापस किया 1000 रुपए से, तो जब रोहन को हमने माल बेचा था तो वो सेल था
और वहां पर माल हमारे पास से जा रहा था, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। यहाँ जबकि रोहन से माल वापस आ रहा है, यानी हमारे पास माल आ रहा है, तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन 1000 से। 29 मई को हमने कुछ नगद चुकाया है, ये सारे एक्सपेंसेस है, तो हमने गोल्डन रूल में देखा कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जब भी हम एक्सपेंस करते हैं हमारे पास से कैश जाती है, और जब भी कैश जाती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, वेजेस डेबिट टू कैश, सैलरी 1000 से, रेंट 1000 से, वेजेस 1000 से, टोटल 3000 से कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। 31 मई को हम देख रहे हैं नगद प्राप्त किया, कुछ रिसीव हमने किया है, तो जब भी हम कुछ रिसीव करेंगे अमाउंट तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और जो भी हमारे आय का जो स्रोत होते हैं क्योंकि वो इनकम है वो सारी चीजें क्रेडिट होंगी, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू डिविडेंड, टू कमीशन, और इंटरेस्ट 500 से, डिविडेंड 200 से, और कमीशन 200 से, यानी टोटल 900 से कैश अकाउंट डेबिट होगा। और लास्ट में हम जनरल एंट्री का जो अमाउंट कॉलम है डेबिट क्रेडिट उसका टोटल करेंगे, 94,900 से क्लोज हो जाएगा। निम्नलिखित सौदों को अमित कुमार के खाते में लिखिए। 2009 दिसंबर 1 नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया 1,20,000, आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला 40,000, नगद माल खरीदा 12,000, ढुलाई का नगद भुगतान किया 500, महेश को उधार माल बेचा 25,000, नगद राशि महेश से प्राप्त की 10,000, महेश ने माल वापस किया 3,000, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 7,000, रमेश से उधार माल खरीदा 32,000, महेश से पूर्ण भुगतान में चेक के रूप में प्राप्त हुए और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया 11,500, रमेश को माल वापस किया 1,500, स्टेशनरी का भुगतान किया 1,200, रमेश को चेक द्वारा भुगतान किया 20,000, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया 4,000, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद का आहरण 10,000, नगद विक्रय 12,000, रूपक ट्रेडर्स को माल बेचा 11,000। यहाँ पहली प्रविष्टि हमारी व्यापार प्रारंभ करने की होगी, हमने यहाँ पर सिर्फ कैश से व्यापार प्रारंभ किया है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया, यानी कि हमने इस धनराशि को बैंक में जमा किया और खाता खोला। तो जैसा कि हमने बैंक संबंधी प्रविष्टियों में देखा कि जब भी हम बैंक में अमाउंट जमा करेंगे तो बैंक में अमाउंट जाएगी और हमारे पास से कैश जाएगा, तो यहाँ पर हमारी पंजी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 से। नगद माल खरीदने की प्रविष्टि, जैसे कि हमने पहले देखी, जब हम नगद माल खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा और कैश जाएगा, इसलिए हमारी पंजी प्रविष्टि होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। ढुलाई का नगद भुगतान किया, हमने एक व्यय किया है यहाँ पर, और व्यय हमेशा डेबिट होता है, और जब भी हम व्यय करते हैं तो कैश हमारे पास से जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी कैरेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 से। नेक्स्ट पॉइंट में महेश को उधार माल बेचा गया है। अब क्योंकि उधार माल बेचा गया है, पैसा हमारे पास नगद कुछ भी नहीं आया, और जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बनेंगे, तो हम वहां पर कैश ना लिख के उस डेटर्स का नाम लिखते हैं, तो हमने महेश को उधार माल बेचा है तो हम महेश अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमने उधार माल बेचा है, माल हमारे पास से गया है, और जब भी माल हमारे पास से जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। नगद राशि महेश से प्राप्त किया, अब उस 25,000 से 10,000 हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जब भी हम धनराशि प्राप्त करेंगे, कैश हम रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और किससे हम प्राप्त कर रहे हैं, महेश से, तो टू महेश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश 10,000।
महेश को हमने जो माल बेचा था 16 दिसंबर को, उसने कुछ माल उसमें से वापस किया। महेश ने माल वापस किया 3000, तो क्योंकि हमने उसको बेचा था तो वो हमारे लिए सेल्स था। अब वो माल हमारे पास वापस आ रहा है तो वो हमारे लिए हो गया सेल्स रिटर्न। अब क्योंकि वो माल हमारे पास वापस आ रहा है इसलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और कहां से आ रहा है, महेश के पास से। तो यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश 3000। 18 दिसंबर को व्यापारिक व्ययों का, ट्रेड एक्सपेंसेस का हमने भुगतान किया है। जब भी हम किसी प्रकार का भुगतान करेंगे, चाहे वो किराया हो, कर हो, ब्याज हो, कमीशन हो, हमेशा वो डेबिट होगा। और जब भी हम कोई भुगतान करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगी, और जब भी कैश हमारे पास से जाएगी तो कैश क्रेडिट होगी। तो यहां पर हमारी जनरल एंट्री होगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 19 दिसंबर को यहां पर रमेश से उधार माल खरीदा गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रमेश से खरीदा और उधार खरीदा। खरीदने की कंडीशन में, परचेस के कंडीशन में गुड्स हमारे पास आता है, तो यहां पे जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश 32,000 से। 20 दिसंबर को महेश से पूर्ण भुगतान के रूप में चेक प्राप्त हुआ और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया। हमने बैंक संबंधी प्रविष्टि में देखा था कि जिस दिन चेक प्राप्त होता है अगर उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाता है तो पंजी प्रविष्टि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जिस दिन हमको अमाउंट मिली उसी दिन जमा हो गई, तो वो अमाउंट जो है वो डायरेक्ट हमारे बैंक में चले गई। तो नॉर्मली बैंक में पैसा जमा करने की हम जो एंट्री करते हैं वही एंट्री करेंगे। तो 20 दिसंबर की एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 11,500। 22 दिसंबर को रमेश को माल वापस किया, हमने रमेश से जो उधार माल खरीदा था उसमें से 1500 हमने वापस किया। तो क्योंकि हम रमेश को माल वापस करेंगे, पाने वाला रमेश है, इसलिए रमेश अकाउंट डेबिट होगा। और माल क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, और कौन सा माल हमने वापस किया, जो हमने कभी परचेस किया रहा होगा, तो यहाँ पर परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। यह हमारी जनरल एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 1500 से। 24 दिसंबर को हमने स्टेशनरी खरीदा है और स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है, तो क्योंकि ये पेमेंट है तो पेमेंट डेबिट होगा, और जब भी हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगी, तो इस कंडीशन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1200। 26 दिसंबर को रमेश को चेक द्वारा भुगतान किया। जब भी हम किसी व्यक्ति को चेक से भुगतान करते हैं तो हम टू कैश ना लिख के उसकी जगह टू बैंक यूज करते हैं, यानी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी रमेश डेबिट, क्योंकि वो पाने वाला है, रमेश डेबिट टू बैंक 20,000। 28 दिसंबर को चेक द्वारा किराए का भुगतान किया गया है, तो क्योंकि किराया एक प्रकार का व्यय है, खर्च है, खर्च हम डेबिट में लिखते हैं, और क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम कैश ना लिख के टू बैंक लिखेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000। 29 दिसंबर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद का आहरण किया गया, यानी कैश विड्रॉल किया है हमने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी हम कैश विड्रॉल करते हैं पर्सनल यूज के लिए, पैसा हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश विड्रॉल किया है तो हम यहाँ पर टू कैश लिखेंगे। अगर हमने गुड्स विड्रॉल किया रहता तो हम टू कैश की जगह यहाँ पर टू गुड्स लिखते। तो फिलहाल हमारी यहाँ पर एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। 30 दिसंबर को एक कैश सेल हमने किया है, तो क्योंकि अगर हम कैश सेल करेंगे, नगद माल बेचेंगे, तो हमारे पास कैश आएगी, और कैश हमारे पास आ रही है इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास से जाएगा, और गुड्स हमारे पास से जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, यानी सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000। 31 दिसंबर को हम रूपक ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है गुड सोल्ड टू रूपक ट्रेडर्स, यानी कि क्रेडिट सेल है ये, उधार विक्रय है। पाने वाला कौन है यहाँ पर, रूपक ट्रेडर्स है, जो कि हमारा डेटर्स बन रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 11,000। तो इस प्रकार हम सारी पंजी प्रविष्टियां कर लेंगे, और लास्ट में हम अमाउंट टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो टोटल है वो 314,900 से क्लोज हो रहा है।